कवर माड़ी जी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से। तो आज हम आपको दिखाने आए हैं भारत बेंज जो गाड़ी है, इसका थोड़ा सा रिपेयरिंग का काम निकल गया है। तो आज हम आइए बात करते हैं ड्राइवर से, जिसका नाम है हरजिंदर सिंह। ये आपको बताएंगे कि इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हुई है और ये क्या क्या सामान खोल रहे हैं इसके। हाँ जी हरजिंदर सिंह जी, क्या प्रॉब्लम हुई है इसके गाड़ी के अंदर और आप बताइए। इसके क्रोन में प्रॉब्लम है। अच्छा, क्रोन में। मैं कहीं चला गया 5 दिन के लिए, गाड़ी को दूसरा ड्राइवर चला रहा था, उसको पता नहीं था, इसका 4-way लगा दिया या रास्ते में ऐसी जगह से ठोक दी। हाँ हाँ, जो आपको दिखाता हूँ मैं। इसके नीचे ये टैच चक्के लगे हुए हैं, ऊपर की तरफ लगे हैं, इसको बोलते हैं ट्यूब पूरे में। हाँ, इसके अंदर होता क्रोन जी, परली तरफ होता क्रोन। हाँ। तो वो पहले बाज करता था, ड्राइवर को पता ना चला, तो उसने जब गाड़ी खड़ी होगी अंदर से मचले गए, क्रोन टूट गया, तब रास्ते में खड़ी होगी। अच्छा, तो अब क्या करना, क्या पड़ेगा और क्या खर्चा आएगा इसका, क्या करना पड़ेगा इसको? कम से कम इसको गाड़ी को कैसे लेके जाओगे, क्या करोगे? मतलब हुण देखो, एक जगह खड़ी है क्रोन, इसका आवाज कर रहा, चल नहीं रहा। हाँ। तो गाड़ी ये ट्राफ होना कर जाएगी नहीं थी। हाँ। फिर मिस्त्री को बुलाया। हाँ। इनके दोनों अक्सल निकाले हमने। अच्छा, बीच वाली शाफ्ट खोली। हाँ, ये वाली शाफ्ट इसके अंदर होती है जगह पे। हाँ, ये शाफ्ट खोल के हम इसको वर्कशॉप लेके जाएंगे। वर्कशॉप? हाँ, इसमें 2 दिन लगेंगे। हाँ। कम से कम 1,00,000 रुपए का खर्चा हो गया होगा। अच्छा, 1,00,000 रुपए का खर्चा होगा। हाँ। इसके क्रोन टूट गए हैं। हाँ, ये बगैर नॉलेज के, बगैर से होता है, जैसे किसी को नॉलेज ही नहीं है। हाँ। जो गाड़ी के पार्ट के बारे में ना पता होएगा। हाँ। एक चक्के के कम से कम 12 नाम है। अच्छा, कोई भी ड्राइवर इसके नाम बता दे। अच्छा, किसी को नाम का पता ही नहीं है। अगर किसी को भाई नाम का पता है, एक टायर के इसके 12 नाम है, अगर किसी को इसके टायर के 12 नामों का पता है तो हमारे कमेंट में जरूर बताइए। और कुछ बताना चाहेंगे? देखो, हमें चक्का लगा हुआ ना, ये जहाँ से फिट लगा हुआ है रिम के साथ में लगा हुआ है, 12-13 नाम तो इनके अंदर ही आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए। गाड़ी तो बढ़िया है, इसको चलाने में नॉलेज होनी चाहिए। अगर मतलब अनजान बंदा चलाने लग जाए तो जैसे इसका नुकसान कल हुआ है वैसे नुकसान हो जाता है। मैंने भरोसे के लिए छोड़ दिया, कार चलाने वाला ड्राइवर था, मैंने उसको 5 दिन के लिए गाड़ी दे के रख दिया। बाज तो पहले भी करती थी, उसने मेरे घर पे ले आके खड़ी कर दी। जब मैंने गाड़ी तोड़ी, इसमें बाज आ गई। मैंने देखा, मैं कहा तो ट्रांसपोर्ट नगर नहीं पहुंचेगी, वर्कशॉप में पहुंचेगी। ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ से कितनी दूर है? कम से कम 25 किलोमीटर, 25-50 किलोमीटर। 25 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट नगर है। अब इसके दोनों एक्सल खोलेंगे और फिर गाड़ी लेंगे। हाँ, ट्यूब लैग। हाँ, फिर अगले पैरों चली जाएगी। अच्छा अच्छा, ऐसे जाएगी गाड़ी। एक गाड़ियाँ इम्पोर्टेड है, 4x4 गाड़ियाँ है। अच्छा अच्छा, वाले चक्के पूरे काम करते हैं। अच्छा, मतलब ये रिपेयर, ये ऐसे होने के बाद जब आप चला के लेके जाओगे तो इसके अंदर से जो आवाज आ रही थी कड़क कड़क की, वो नहीं आएगी। वो नहीं आएगा। हाँ। क्योंकि आपने इसके एक्सल और शाफ्ट खोल के लेके जाना है। खोल के लेके जानी है, मूरे चक्के पे चली जाएगी। अच्छा, अगले अगले वाले चक्कों पे जाएगी, मतलब पीछे वाले चक्के काम नहीं करेंगे? एक काम नहीं करेंगे, एक काम करेंगे। अच्छा, ये वाले काम करेंगे, ये वाले काम नहीं करेंगे। ठीक है ठीक है। तो ये डलवाएंगे, सारे चक्के चुके खोल देंगे, तभी इसका क्रोन बार आएगा। तो जब इसका बाकी रिपेयरिंग का काम है वो भी हम आपको दिखाएंगे, जब ये इसके मतलब क्रैंक खोलेंगे या उसकी रिपेयरिंग करेंगे या उसको नया डालेंगे तो वो भी हम वीडियो आपको साथ साथ में दिखाएंगे। तो हम बेनती ये करते हैं, कोई भी ड्राइवर जिसको गाड़ी के बारे में एक्सपीरियंस नहीं है वो मत गाड़ी चलाए। ठीक नहीं। चलो हम मैकेनिक से भैया से बात कर लेते हैं। भाई साहब, ये है हमारे जसविंदर सिंह जी जो कि ट्रक मैकेनिक है, ये आपको बताएंगे इसकी गाड़ी के क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। इसका अभी क्रोन टूट गया जी। हाँ जी हाँ जी, अब इसको वर्कशॉप लेके जाएंगे तो 2-3 दिन लगेंगे इसमें। और खर्चा कितना आएगा जी? खर्चा तो खोल के पता चलेगा, बाकी 40-50 हज़ार। 40-50 हज़ार अंदाजा खर्चा आएगा इसका, बाकी खोल के पता चलेगा। बाकी जैसे जैसे खुलेगी गाड़ी वैसे वैसे हम आपको वीडियो बना के दिखाते रहेंगे, तो बने रहिए। किसी को नॉलेज नहीं है, गाड़ी मत चलाइए। अगर आप और नॉलेज के बारे में, पूरा ड्राइवर को नॉलेज होनी चाहिए, कौन सी चीज़ का क्या नाम है, कौन से कितनी स्पीड में कितना नुकसान कर सकती है, कितनी स्पीड में कितना नुकसान कर सकती है, अपना भी ध्यान रखें। बिना नॉलेज के कहने का मतलब है कि बिना नॉलेज के गाड़ी मत चलाइए, वरना गाड़ी का नुकसान हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, आपको रिपेयरिंग वाले स्पेयर पार्ट्स जो होंगे इसकी रिपेयरिंग होगी पूरी आपको वीडियो दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अब हम इसके एक्सल निकाल दिए, हमने एक्सल निकाला है। एक्सल निकालने की वजह से अब इसके अंदर से जो आवाज़ें आ रही थी वो आवाज़ें नहीं आएगी। अब आपको थोड़ी सी गाड़ी चला के दिखाते हैं तो भी पता चल जाएगा, जो क्रोन की आवाज़ आ रही थी अब वो क्रोन की आवाज़ नहीं आएगी। ये देखिए अब बिल्कुल सही चल रही है गाड़ी, आवाज़ नहीं है। ये देखिए पहले आवाज़ आ रही थी, अब इसके अंदर से आवाज़ आनी बंद हो गई है। तो अब हम इसको लेके जाएंगे ट्रांसपोर्ट नगर में, तो ट्रांसपोर्ट नगर इसको लेके जाएंगे एक्सल खोल के। अब ये गाड़ी जाएगी ट्रांसपोर्ट नगर, जहाँ पे वर्कशॉप है वहाँ पे जाके इस गाड़ी का अब काम होएगा। तो जो इसका काम होएगा, जो जो इसके स्पेयर पार्ट पड़ेंगे, जो जो भी चीज़ इसमें डलेगी, वो सारी वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन वो आपको दिखाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में हम सिर्फ आपको गाड़ी दिखाएंगे कि अगर बाय चांस आपकी गाड़ी का क्रोन टूट जाए तो आपको गाड़ी वर्कशॉप कैसे लेके जानी है। ये देखिए अब आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई है। पहले जो थी बहुत आवाज़ कर रही थी, ये गाड़ी चल नहीं रही थी। तो अगर आपको भी गाड़ी कहीं लेके जानी पड़ जाए, अगर क्रोन टूट जाए, तो पहले उसका एक्सल खोलना पड़ेगा, शाफ्ट खोलनी पड़ेगी, उसके बाद आप गाड़ी को ले जा सकते हैं। अगर रास्ते में बाई चांस कहीं गाड़ी ख़राब हो जाती है तो गाड़ी को चलाइए मत, उसको खड़ी कर दीजिए ताकि कोई और नुकसान ना हो। ये गाड़ी ऐसी नुकसान हुआ कि अनजान ड्राइवर था, वो लगातार गाड़ी को चलाता गया, जबकि इसमें से क्रोन से आवाज़ें लगातार आ रही थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और गाड़ी चलाकर कम से कम 10 या 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर गाड़ी चला कर यहाँ पर ले आया। उसकी वजह से इसका क्रोन टूट गया, जिसका 50-60 हज़ार 1 लाख रुपये तक का खर्चा आएगा। तो इसके एक्सल निकाले हैं और शाफ्ट निकाली है, तो अब इसकी इसके अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है। तो अब ये गाड़ी चलने के लायक हो गई है थोड़ी बहुत, इसको वर्कशॉप लेके जाएंगे और पूरी वीडियो आपको जो इसकी मैकेनिकल की होगी, जो कि इसके स्पेयर पार्ट डलेंगे, जो भी इसमें मतलब काम होएगा, वो पूरी वीडियो हम आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में दिखाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे आपके लिए। थैंक्स।